ये आ गए हम पीजी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़। खुशी का कॉलेज है ये। हेलो खुशी, कैसी है? बढ़िया। अच्छा है, कभी अंदर से देखेंगे, टाइम लगा तो। कितनी दूर तक है? चलो तुमको सेक्टर 15 घुमा के लेके आती हूँ। इधर ये कॉलेज है बच्चों का, मतलब इधर लड़कियों का कॉलेज है, ये लड़कियों का कॉलेज है। हम जा रहे हैं सेक्टर 15, सेक्टर 15। यहीं से रास्ता है, उसके लिए कोई कैब करने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग करेंगे, पैदल पैदल चलेंगे। कहाँ गायब हो गए खुशी और रमन? बताओ, आइसक्रीम वाले उस पे चले गए। द्वारका दास लाइब्रेरी, ये देखो। जा रहे हैं सेक्टर 15 मार्केट, और ऐसे पेड़ के नीचे चाय पानी ऐसे बनाने वाले बैठे रहते हैं। ये कौन सी छोटी मोटी मार्केट है? ये कॉलेज के बच्चों के लिए ठीक रहती है क्या? ही ठीक रहती है, सब गंदा खाना मिलता है, हाइजीन थोड़ी। दिल्ली टाइप मार्केट शुरू हो गई चंडीगढ़ में भी, है ना? हम आते थे कई बार पहले, 2-3 साल पहले, तब तो नहीं थी ऐसी मार्केट। ये अभी शुरू हुई है मार्केट को। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए इस मार्केट को। अच्छा, पहले तो नहीं लगती थी ये। रमन है, क्या देख रहा है? तो सूज भी देखो कितने सारे हैं। सही है भाई, डुप्लीकेट माल मिलता है दिल्ली की तरह। रमन कह रहा है चोर बाजार है क्या ये? चोर बाजार दिल्ली में ऐसा ही होता है, तो इस तरह से जो कपड़े हैं वो सस्ते हो जाते हैं, और यही कपड़े शोरूम में महंगे हो जाते हैं। कॉलेज की लड़कियां आई हुई है, सुंदर सुंदर, सही है, बार्गेनिंग हो जाती है ऐसे कपड़ों में। वो पैंट सही है, ये कह रहे हैं 400 की एक, और ये एक से बढ़कर एक है, बस की सिंपल है, किसी पलंग पे रख रखी है, यही मॉल में बिकते हैं सारे। ये देखो अच्छी है, तो साफ सुथरी है, ऐसी बात नहीं है, देखो साफ सुथरी मार्केट लगा रखी है बिल्कुल। कपड़ों का अलग अलग स्टॉल है, ये देखो साफ है बिल्कुल, कोई ऐसे नहीं कि कबाड़ रखा हुआ, कबाड़ नहीं है, अच्छी अच्छी वैरायटी है। ये देखो यही मॉल में 2,000-3,000 बताओ वैसे। ये तो इसका कलर अच्छा नहीं लगे बेटा, तो आप निकर बिल्कुल जैसे मॉल में मिलती है। ये मार्केट तो मुझे समझ में आई, मुझे दिल्ली वाली मार्केट भी ऐसी नहीं लगी। 200 ओनली, ये तो ठीक है ना, मॉल में तो यही चीज देखो, ये कहेंगे 799 की, 899 की, ऐसे बोलेंगे। और सारी जूती ट्राई कर ली, और सारी जूती छोटी आ रही है, मेरा पैर सबसे बड़ा है, या तो 11 नंबर आएगा, या ये 40 है तो 42 नंबर, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं मिली भाई। लोग सारी मार्केट घूमे आई हूँ, है जींस की पैंट तो चलो ठीक मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना, ये दूसरे देशों के कपड़े होते हैं, और वो महंगे होते हैं, उनको वॉश करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं, तो इस तरह से सेल करती हैं इस तरह से। तो पर ये सूज वगैरह और ये कोई काम के नहीं लगे मुझे, तो कोई ऐसे काम की चीज़ मिली नहीं।
मतलब रफ दिख रही है, ये रफ दिख रही है, तो जींस की पैंट तो ठीक मिल रही है, क्योंकि मॉल में ये 2000 और ये, और यहाँ पर ये है कि 350 इस तरह से मिल जाएगी। बाकी तो मॉल में भी, अब उधर पंजाब में थे वो कह रहे थे कि 350 या 400 ये तो मॉल में भी मिल जाते हैं, ऑफ हो जाता है ना जब, तो 500 के आसपास मिल जाते हैं, टॉप भी मिल जाते हैं ऐसे ही 500 के आसपास, लेकिन जींस की पैंट ले सकते हैं इधर से, अभी तक तो मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है। ये जींस ये देख सकते हैं, ये कुछ इयररिंग समझ में आए, ठीक है। देखे रिबॉक का हल्का बैग है इस तरह से 250, और अभी हम इस पार्क के अंदर से ही जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मैं इधर कई महीनों के बाद आई हूँ, मैं अपनी गाड़ी से आती थी, सेक्टर 15 की मार्केट है ये, सेक्टर 15 चंडीगढ़, और ऐसे चले जाएंगे ना तो थोड़ी सी दूर के बाद इसी सड़क के बाद सेक्टर, फिर उसमें वो पंजाबी यूनिवर्सिटी आ जाएगी सेक्टर 14, फिर सामने जाएंगे तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का सेक्टर आ जाता है। तो काफ़ी टाइम बिताया इधर भी, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। इधर एक डोमिनो पिज़्ज़ा है, डोमिनो पिज़्ज़ा कहाँ है, यहाँ पर राशन का सामान मिलता था। मैं इधर ही सेक्टर 16 में पीजी में रहती थी तब, उस साइड जाएं तो सेक्टर 16 में पीजी होता था मेरा, और फिर इधर मार्केट में आते थे, यहाँ राशन का सामान लेते थे, और इधर डोमिनो पिज़्ज़ा है, वो रहा डोमिनो पिज़्ज़ा, और फिर सामने जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाती है। सही है, तो यहाँ पर है दीपावली का प्रोग्राम चल रहा है, लगे हुए हैं मिठाई वगैरह के स्टॉल, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में काफ़ी महीनों के बाद। दुनिया वैसे चेंज नहीं होती, ऐसे ही थी पहले भी ऐसे ही अब है, सारा कैंसर का सामान रखा हुआ है, सारा पैकेट बंद सामान दिवाली पे निकालते हैं, कोई मजे वाली बात नहीं है। अंदर घूम फिर के आ गए खुशी के कॉलेज में, और खुशी का कॉलेज देखते हैं हम, आ गए हम खुशी के कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़। कौन सा कॉलेज है? पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज। ओह, डॉगी भी रहते हैं इधर। पीजी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़। सुमा बैठे था नहीं गार्ड, वही बोला कैंटीन तक तो जा सकते हो आप, यहाँ तक चलो उधर चलते हैं, गेट है ना इसके अंदर नहीं जा सकते। हाँ, वो आगे हॉस्टल शुरू हो गया, तो कैंटीन में कुछ खा पी लेंगे। कैंटीन हो गई और स्पोर्ट्स ब्लॉक ब्लॉक उधर, वो सामने उसके पीछे है, ये सामने स्पोर्ट्स ब्लॉक, फिर हॉस्टल और वो उधर कॉलेज, फिर उधर बैक साइड कॉलेज, और यहाँ से भी जाते हैं। बस ये इतना ही एरिया है, नहीं इसके पीछे भी है, मतलब फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। मेन एरिया यही है तुम्हारा कैंटीन का, एक ही है ये, एक ही सही है। आ जाओ तो कहाँ बैठेगी, क्या खाना है, एसी लगी हुई है, एसी में बैठना तो एसी में, चल देखते हैं, चलो चलते हैं। हमें ऐसे सिलाई मशीन के लिए, और ये पार्लर वगैरह है इधर, सही है ये सिस्टम, और वो है नंबर 1 हॉस्टल, उसी तरह हॉस्टल वही है ना, नंबर 1 सामने, नंबर 1 कहाँ चले खुशी, कैंटीन। अच्छा उधर ये, हाँ। ये वाली, yes, yes. ये यहाँ पर रेट देखो, ये सही है, यहाँ पर है, हमने ऑर्डर किए हैं एक ये कॉफी मकाचिनो कैफेलाटे, क्या कैफेलाटे, हॉट कैफेलाटे, ये कॉफी, तो 3 कॉफी हमने ऑर्डर की है, यहाँ पर काफ़ी रेट काफ़ी सस्ते हैं, चीप रेट है, अच्छे हैं। ये देखो रमन, एक काम करेंगे यहीं आके खाया करेंगे बर्गर वगैरह, ये देखो रेट इधर, क्योंकि ये कॉलेज की कैंटीन है तो यहाँ पर सही रेट है, जो इन्होंने ठेका उठा रखा है तो इनके रेट फिक्स बना रखे हैं। तो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैंटीन है ये एक तरह से, गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट कैंटीन, ये रेट है इनके।
पंचकुला 14 सेक्टर में मेरा हॉस्टल होते थे, तो वहाँ पर बनाना शेक, पपाया शेक, इस तरह का शेक है, तो वो उधर मिलता है, उधर ट्राई करेंगे जाके, देखते हैं क्या। तो कहाँ पर हम यहाँ बैठते हैं, चलो एक कॉफी और ये ब्राउनी। हेलो, ब्राउनी सही लगी मुझे, फोटे में पीज। और ये कॉलेज, ये कॉलेज और हॉस्टल की वाइफ्स, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज की याद आ गई मुझे, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये कौन से सैंडविच है रमन? चीज कॉर्न सैंडविच, अच्छे हैं क्या? मेरी रहती है बस, कॉलेज और उसकी लाइफ तो अलग ही होती है बेटा। बताओ यहाँ पर किसकी एक थार गाड़ी आ रही है? अच्छा अलग ही भाई, भाई से को दो भाई है ये है। ये बता खुशी, इसमें कॉलेज में कौन से स्टेट की ज्यादा लड़कियां? मणिपुर की ज्यादा। तो क्या खाती है वो? मच्छी? नहीं, वो अपना अलग मच्छी का चार। मैं अपना ना अलग बोल रहे, चिकन का चार, किस चीज का? पर मीट चिकन का चार है स्पेशल अपना रखा है। तो लद्दाख वो येलो शर्ट डाल रखी थी वो लद्दाख की। अच्छा, तो काफी है हिमाचल वगैरह की लड़कियां ज्यादा है। अपना हरियाणा की कम है? हरियाणा दिल्ली की कम है ना? हाँ। तो ये तो है ना। अच्छा, ये जो आ रही है ठीक है। अच्छा, आपका कौन सा गांव? सोनीपत हमारा हिसार। सही है, ये तो कॉलेज और हॉस्टल की वाइफ ऐसे ही होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी साल रहे थे हम। रमन कहता मम्मी इधर तो लड़के भी आ रहे हैं, ये हाँ ये मणिपुर से है ये लड़की, अच्छी लग रही है ना। ऐश्वर्या सही है, मज़ा आ गया वे खुशी, बच्चों के साथ बच्चे बन के। पेड़ देखो कितना पुराना है। एक मिनट आई। अच्छा, ये फ्रूट्स की शॉप है, यहाँ पर शेक मिलता है। सही है, इनके रेट क्या है? रेट क्या है? रेट 30-40 रुपीज। ये हॉस्टल सामने डिस्पेंसरी भी है इधर। तो ऑर्डर किया तुमने अपना अपना शेक? रुक जा रहे, क्या टेंशन है? एक थाली में कितने गिलास बन जाते हैं? ये है मैंगो शेक, सही बना रहे हैं। रमन शेक बता, रमन मैंगो शेक कैसा लग रहा है? अच्छा, रमन को तो बहुत अच्छा लग गया भाई, मैंगो शेक अच्छा लग रहा है। सही है, मैंगो शेक इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़। खुशी मैंने एक बात देखी है तुम्हारे इसमें है ना, कॉलेज में ये जो गिलहरी है ये बहुत ज्यादा है ना। पिकॉक भी है, बाज भी, पिकॉक है, भी है, भी है। अच्छा, मेरे पास उनके वीडियो। हाँ, बाज है भाई इधर बहुत, पीछे से बहुत बड़े बड़े बाज देखे मैंने इधर, पिकॉक और मंकी तो हर जगह होते हैं। अच्छा गार्डन, अरे तुम्हारे कॉलेज में तो गार्डन भी है, तो ये आयुर्वेदिक है सब? इनके नाम में नहीं बोल रहे। सबसे अच्छा जो आयुर्वेदिक है बताओ कौन सा प्लांट्स है? सदाबहार। ये है दतूरा, छू दिया बंद हो जाएगा। हाँ ये ऐसी है, मुझे तो पता ही क्या होता है, क्या होता है बताओ? मन तो जरा इसको हाथ लगाते ही देखिए बेचारी ना, मन नहीं डर जाती है बिल्कुल, देखना क्या ये बिल्कुल ही छुई मुई है। ऐसा भी कोई देखो प्लांट्स होता है, देखो
सारे बंद हो गए, फिर ये ठीक हो जाती है, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में, जब दिन का हाथ नहीं लगा। ये इसको मैं फोन लगा देती हूँ, फोन से ही गई। अरे ये तो कोई मैजिक नहीं है ये। हाँ सच में खुशी, ये तो मैजिक है, ये मैंने फोन लगा दिया। ये ले, ये देख सच्ची माया, ये तो ये हाथ लगा दिया, ये देख बेचारी मुरझा गई और ये फिर फैल जाती है। ए तुम ऐसा करो, इसके पास मेडिटेशन किया करो, ये शक्तियाँ देगी तुझे, क्योंकि इसमें मैजिक है सच में, ये पावर देगी तुम्हें। चलो सुई मुई, ऐसा तो प्लांट्स देखा ही नहीं मुझे, भी अभी पता चला इस प्लांट्स का। ये मैंने उसमें देखा था एक बार यूट्यूब में, किसी चैनल पे बता रहे थे ये मैंने। रुक जा भाई, इसकी थोड़ी बढ़िया वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी। ये देखो ये ऐसे नहीं, बेचारी को ऐसे, ये ऐसे हाथ लगाया, ये कैसे गई बेचारी। कमाल का प्लांट्स है भाई ये तो, और थोड़ी देर में कैसे ये, अब ये कितनी देर तक मुरझाए रखेगी, या फिर कर मिनट। अच्छा 3-4 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी, फिर कभी है ना फुर्सत में देखेंगे इसको नॉर्मल होते हुए। अरे हो रही है ये राम तुलसी सदाबहार खुशी, फ्लावर की तरह हमेशा खुश रहना। हिमांशी होता है, मतलब बर्फ का एक अंश, शायद हिम का अंश है हिमांशी, सही है। चले अब हमें गुड बाय बोलो, ऐसे तो हम टाइम वेस्ट करेंगे क्यों, पढ़ना भी है फिर सोना भी है तुम्हें, खाना भी है, फिर बंद हो जाएगा हॉस्टल। ओके बाय बाय, खुशी गई क्या वो तो, हाँ ओके बाय बाय गर्ल्स कॉलेज गए खुशी, और तो पहुंचने को हो रहे हैं। नमन चले बेटा, चले क्या हाँ। कुछ मीठा हो जाए। तोता बोले टैं टैं टैं, तो बकरी बोली बदल दूंगी यार क्या बोली, कैसी है बेटा वो वीडियो दोबारा बताना, कैसे है वीडियो क्यों बताऊं। रमन जब तक कैब नहीं आती ना, कौन सी वीडियो देख रहा है आजकल बच्चा बन जाता है बेटा बहुत ज्यादा। तोता बोले टे टे, बकरी बोले। आज कंप्लीट शॉपिंग करवाई बेटा, शूज खरीदे हैं, कितने पूरे 2000 के शूज लिए आज तूने? नहीं 5000 लेकिन पसंद अच्छी है बेटा, है ना? हाँ। चलो 1000 के शूज है ना, चुप हो जा, चलो चलो बेटा। देख बुआ इधर से स्टार्ट है, ये बहुत बड़ा है ये एलएनटी मॉल, गर्मी में तो सही है इधर बहुत, काफ़ी एसी रहते हैं, एसी लग रहे हैं, आराम से शॉपिंग करो। हाँ वह ठीक हो गया, उसमें चंडीगढ़ में उसमें कॉलेज में और हॉस्टल में एडमिशन हो गया खुशी का, है ना? अब क्या शॉपिंग करने जा रही है लेंटे मॉल में? ड्रेस ही ठीक है, ड्रेस को लगता है। न्यू ड्रेस, न्यू लाइफ, न्यू ड्रेस। क्या कर रही है खुशी? स्ट्रीट, ये स्ट्रीट का जमाना है भाई। अच्छा रिकॉर्ड कर ले, क्या कर रही है? रिकॉर्डिंग आ गई ना इसमें। ये जो पीछे चौक था ना, वो अल्लू माजरा चौक था, आगे ट्रिबुक चौक है, उससे कनेक्शन है थोड़ा, लेंटे मॉल जल्दी आ जाता है। ये बैक साइड का सिस्टम है इसमें। हाय गाइस, कैसे आप? खुशी तुम्हारा कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है, कौन से सेक्टर में? किट्टू पर्सनल है। क्या हुआ, पहले तो कौन गई थी ना लेंटे मॉल, पहली बार जा रही है ना?
कितनी दूर रह गया बटाला एंटे मॉल। इवनिंग का टाइम मस्त होता है, काफी क्राउड हो जाता है, लोग काफी घूमने आते हैं शाम के टाइम एंटे मॉल में। और ये इस तरह से करते हैं एंट्री। काफी दिन हो गए इनको लगे हुए डायनासोर वगैरह, अंदर देखते हैं सेम वही लगे हुए हैं क्या। रमन के लिए तो ठीक है, डायनासोर देखने को मिल जाएंगे। पता नहीं है एग्जीबिशन कब तक चलेगी, लगभग एक डेढ़ महीना तो हो गया इसको। शाम के टाइम अच्छे लोग आते हैं, भीड़ सी हो रही, थोड़ी सी क्राउडेड सिस्टम है थोड़ा। एलेंटे मॉल में ज़्यादातर इवनिंग के टाइम काफ़ी क्राउडेड हो जाता है, काफ़ी लोग आते हैं घूमने। सामने एलेंटे मॉल की पार्किंग और शाम का टाइम है। पता नहीं बेटा अब तक डायनासोर का वो एग्जीबिशन लग रही या नहीं लग रही। सही है, खेल ले बेटा ना। एग्जीबिशन के टाइम तो बेटा तू घूमने चला गया था ना दादा दादी के, आप देख ले कितने बढ़िया डायनासोर लगे हुए हैं। देख इधर से एंट्री है ये, और इस तरह से एग्जीबिशन लग रही है। अभी तो टाइम नहीं है, कौन सी दिक्कत। तो ठीक फिट आई है बेटा, कौन सी वो वाली दीदी को फिट है बेटा, ये ऊपर की तरफ ज्यादा कर रखी है, नहीं फिट आई बेटा। एक पैंट दोनों को पसंद आ रही है, दोनों को सही फिट बैठ रही है। इसको अच्छी लग रही, देखना सही लग रही है, नहीं लग रही सही लग रही। अच्छा ये पैंट तुझे भी पसंद है, ये यही कर लो, मुझे भी पाई है। बुआ तो बैठ गई, ठीक है यहाँ बैठने के लिए तो मिला, तो घुटने दुखने लग जाते हैं बेचारे, क्या करे, पुराना जमाना में काम ही इतना किया, अब दिक्कत आ रही। डर लग गया और मैं तो पी पर टहना पार के किए। अच्छा पी पर टिकंदा डाली। चलो सीखने की चीजें ये सारी। बुआ तो चढ़ के डर लग गया। देखिए रमने संभालिए कदे गिर जे। ऐसी ऐसी मॉल वगैरह चीजें ना बुड्ढों के लिए तो आफत सी हो जाती है। ये अभी भी देख रहा है। कैसा लगा खुशी शॉपिंग करके? बहुत बड़ा चुना लगा गया। इतना बड़ा बिल। अच्छा वैसा चुना लगाते हैं। कैसा लगा? एंजॉयमेंट कर लिया।
कैसा लगा एलेंटे मॉल है ना? थक गए सो? हम थक चुके हैं। वेरी गुड, हमारी शक्ल उतर चुकी है, देखने लायक नहीं है। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। तो जबरदस्त शॉपिंग करी आज। मैंने बुआ के लिए स्पेशल सीडी बनाई है। मेरी बुआ के घुटनों में दर्द रहता है, मेरी बुआ ना चले सीडी चले। लेकिन वो फ्रेश में है अभी और ये ऑफर में है। ये 700 और वो 1300, ये फर्क है। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, जवान बंदा जाता है बूढ़ा होके निकलता है। चलते हैं। वो जवान होके निकलेगी थोड़ी देर में, ठीक है? हम बूढ़े होके निकलेंगे। हाँ बुआ, मैं तो सोचू थी बूढ़ी गई है तो जवान होके निकलेगी बुआ, तो है खुश होगी एक बार तो है। देख ले इनके दिन, आजकल के बच्चे जीवन है ये लाइफस्टाइल है। ये मशीन भी धोखा देगी, देगी मशीन धोखा। और को नहीं, गोड्डे भी ठीक करे। आला गोड्डे गोड्डे भी ठीक करे। जवान तो गीत निकलूंगी है तो करे। मेरे गोड्डे ठीक कर दे रही है मशीन। वाई बता रही देखूंगी मोल में है। सारे हम देखने लग रही हूँ इस तरह की नहीं करी। बुआ भी बेचारी सारी वन पीस पहन के निकला गोड्डा तक के, बुआ के गोड्डे ठीक नहीं हुए। जवान तो कही दूर की बात है। गोड्डे ठीक हो गया तो। बढ़िया बारिश होने लग रही है भाई, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। रिम जी में बरस राम, सामने का बीना। सामने का बीना है और बड़े वाला तो कर देते बेटा। Thank you.
देखती हूँ कैब आ गई क्या। कैब रमन को तो बारिश अच्छी लग रही है, ज़्यादा होगी बेटा बारिश आ जाएगी। चलते हैं घर, चले रमन ठीक है बेटा। ये देखो भाई थोड़ी सी छोटी सी स्कूटी है, कोरियर वाले ने देखो कितना, कोरियर वाले ने ना दो बैग लगा रखे बेचारे ने, गर्मी में इतने कोरियर लेके आता है। बैठ के घंटे बाय। रमन गेस्ट आते हैं एक दो दिन में चले जाते हैं, माँ बेटा रह गए। शेरनी स्कूटी मेरी और साथ में मेरे बेटे की साइकिल, इसको साथ में खड़ी कर दे बेटा साइकिल को भी। प्रोग्राम के लिए कितनी गाड़ियां खड़ी है रमन ने अग्रवाल को। और क्या सारे तो तीज के प्रोग्राम चले गए हैं, और सेक्टर 5 में तो बल्कि आज महिला सम्मेलन था बेटा। काफी लोग आए हुए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और ये इधर है ना इस तरह की कॉपी मिल रही है पढ़ने के लिए। ये सामने ये गेस्ट आए हैं, ये मेन गेट इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहुत सहयोग किया है। जो खंडित देश हमसे हुए हैं पके हुए फल की तरह हमारी बोल में गिरेंगे, कि जहां से भी सनातन की विचारधारा सिमट गई वो भाग खंडित हो गया, चाहे वो अफगानिस्तान है पाकिस्तान से अलग होके कोई भी कुछ नहीं हो सकता। जय भारत माता की, आ जाओ। सामने कैमरा मैन है, अभी अभी उनकी वाइफ की डेथ हो गई, किसी का नाम था लड़की का, और काफ़ी सुंदर, और दो तीन प्रोग्राम अटेंड किए थे उसने, मैं मिली थी उसको, उससे काफ़ी शिखा का काफ़ी सपोर्ट सिस्टम था, कोई भी अगर प्रोग्राम होता था उसमें अरेंजमेंट करने में पता नहीं, यही तो है ना ऐसे हादसे होते तो पता ही नहीं चलता कब को, बहुत दुख होता है पता नहीं चलता है किसकी ज़िंदगी कितनी लिखी हुई है इस दुनिया में, इसलिए खुश रहना चाहिए। तब तो बहुत अच्छे हैं, लास्ट में खाते हैं खीर, और अच्छा प्रोग्राम अच्छा डिनर था काफी। ये प्रोग्राम अटेंड करके हम जा रहे हैं, निहारिका मैम भी जा रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं निहारिका मैम, बीजेपी में भी काफ़ी सपोर्ट है इनका। ये लो भाई आ गए प्रोग्राम अटेंड करके अपनी सोसाइटी में, निहारिका जी ने गाड़ी करवा दी। कोको को डॉगी, अब ग्रीन वैली के लिए तो हमको पता नहीं है ना बेटा। हाँ ये तो बढ़िया पेड़ लगा दिया बेटा, ये गमले ऊपर रखे हुए थे मैंने फिर नीचे ही रख दिए। व्हीकल रमन इतने व्हीकल किसके खड़े हैं ये इधर, पता नहीं पहले तो नहीं खड़े रहते थे। ये अपनी शेरनी स्कूटी, इस पे रैप बना दे, साइकिल स्कूटी की जोड़ी की, स्कूटी साइकिल की जोड़ी
हर तरफ वाह 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 हो रही है ना, बढ़िया चलते हैं। मैंने बना तो दिया बेटा, बता कैसा था प्रोग्राम? मैं अच्छा था। ठीक है ठीक है, पानी पी ले बेटा। मैं नहीं तो दिवाली की लड़िया भी लग गई। हमारे पड़ोसी है नीचे वाले, उन्होंने लगाई है कंप्लीट। ये है सोसाइटी का व्यू, काफ़ी लड़िया लग चुकी है। और आज है 26 अक्टूबर 2024, और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी, और साथ में माता रानी का भंडारा भी है आज सोसाइटी में। हमारे यहाँ हर साल होता है ये भंडारा। अभी टाइम है 7 PM, तो जाऊंगी मैं, ज्वाइन करूंगी। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, भजन कीर्तन करके आते हैं। दोपहर से ही लग रहे थे तैयारी करने, अभी पंडाल भर जाएगा थोड़ी देर में। हैप्पी बर्थडे बेटा, प्यारा बेटा मेरा, लड्डू बेटा। आज बेटा तेरे बर्थडे पे माता रानी का जागरण भी हो रहा है अपनी सोसाइटी में। बुआ तो हरियाणी नाटक देखा है? कौन सा देख रहा है, कौन सा देख रहा है, देख ले। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारी सोसाइटी में, लगभग 11:15 हो रहे हैं करेक्ट। मैं तो भंडारे में खाना भी खाया ही और पूजा अर्चना भी कराए। अभी यहीं से गाने सुन रहे हैं, भजन कीर्तन चेयर पे बैठ के, इधर बालकनी में बिल्कुल सही प्रोग्राम दिख रहा है। यहाँ से अटेंड करेंगे जब तक होगा, भजन कीर्तन सुनेंगे। जय हो माता रानी की, जय हो। निर्विघ्न कुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। दीपक का ध्यान आप लोग हाथ जोड़ के सभी प्रार्थना करना कि आपके जीवन का सभी अंधकार दूर हो और सोसाइटी में खूब प्रकाश हो, कि सभी अंधकार दूर हो, आपकी सोसाइटी खूब प्रकाशित हो जीवन में। ऐसी कामना करते हुए माता ज्वाला मैया से प्रार्थना करना आप लोगों ने। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्या धन संपदा सर्व बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दनम दीपम हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्या धन संपदा सर्व बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते।